एम्पलीफायर क्या बात है, कुछ देखते हैं, तुम भी आज निराश हो गया एम्पलीफायर की तरह? सर एक तो मेरा दोस्त है बेढंगा, उसका हम इंग्लिश जानना चाहते हैं। और तुम्हारा दोस्त है बेढंगा और तुम बेढंगा का अंग्रेजी जानना चाहते हो? वाह क्या बात है, क्यों जानना चाहते हो अंग्रेजी? उस पर तुम कुछ बोलना चाह रहे क्या? यस सर। तो कलमजी होता है, क्या होता है कलमजी? सी एल यू एम एस वाई, क्या होगा कलमजी? ठीक है, और कोई वर्ड मीनिंग है? सर मेरे मामा जी का शादी है इसलिए हम जानना चाहते हैं कि होने वाली पत्नी का इंग्लिश। अरे मामा जी का ना, अरे जानना चाहते हो तुम? अरे क्या बात है, होने वाली पत्नी का अंग्रेजी होता है वुड बी वाइफ, क्या होता है वुड बी वाइफ, क्या होगा वुड बी वाइफ। चलो मेरे तरफ से वर्ड मीनिंग तुमको बता देते हैं, मंगेतर का अंग्रेजी, मंगेतर का अंग्रेजी होता है फियांसी, क्या होता है फियांसी, याद रखना वर्ड मीनिंग और स्पेलिंग होता है ये, ठीक है। ये तो होगा किसके लिए? फीमेल के लिए। एक और इसी देखो मेल के लिए आता, उसका स्पेलिंग होता है FIANCE, ये जब भी होगा किसके लिए होगा? मेल के लिए। ये दोनों का मतलब मंगेतर, इसका मतलब होने वाली पत्नी, इसका मतलब बेढंगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? चलो बहुत।